शरीफ बतौर सुल्तान राही। दोस्तों मरहूम सुल्तान राही की फिल्मों को देख लें और नवाज शरीफ के तीनों इकदार को देख लीजिएगा, आपको एक कदरे मुश्तरका चीज़ नज़र आएगी। जब तक बैक वक्त आर टांग ब्रदर दुश्मन हीरो पर टूट ना पड़े तब तक सुल्तान राही को सुकून नहीं मिलता, और फिर हमारा हीरो अपनी डांग उठाकर आठ डांगे रोक कर ऐसे झटक देता है कि आठों डांगे हवा में उड़ जाती हैं और दुश्मन जमीन पर चटपट नजर आता है। हमारे मियां साहब भी सुल्तान राय की तरह तब तक मुतहरक नहीं होते जब तक दुश्मन इकट्ठे होकर इन पर वार ना करें। अलबत्ता एक फर्क जरूर है, सुल्तान राय हमेशा दुश्मनों को अपनी डांग के एक झटके से खाक चटवा देता था, मगर मियां साहब लड़ते लड़ते आखिर में अपनी ही डांग के जोर पर गिर पड़ते हैं। सुल्तान राय को ऐसी फाइट का ना सिर्फ पैसा वसूल होता था बल्कि फाइट सीक्वेंस वक्फे वक्फे से फलमाने के सबब में सांस लेने का मौका और पसीना पोंछने का तौलिया भी मिल जाता था। मगर हमारे मोला जाट को हर बार रियल फाइट दरपेश होती है, असली दुश्मन असली डांगों सोटों वाली फाइट। इसमें कोई कैमरा ट्रिक या एडिटिंग नहीं होती, जो भी होता है सामने ही होता है। इसलिए सुल्तान राही हर फिल्मी फाइट जीत जाता है और मियां साहब हर सियासी फाइट में अगर हारे नहीं भी तो जख्मी जरूर हो जाते हैं। लेकिन एक बात है, सुल्तान राही हर बार फिल्म के स्टार्ट में कमजोर नजर आता है और नूरी नथ हमेशा ताकतवर नजर आता है। मियां साहब का भी यही हाल है, मियां साहब जब भी कोई इकदार में होता है तो ऑपोजिट पार्टी में हमेशा कमजोर नजर आते हैं, लेकिन आखिर में वो बाजी ले जाते हैं। अब तो मियां साहब सियासत में इतने पुराने हो चुके हैं तो इन्हें ये भी नहीं समझा जा सकता कि मोले नू मोला ना मारे तो मोला नहीं मर सकता। अलबत्ता हर नए सिपा सलार की एफिशिएंसियां देखकर इसे लाशौरी तौर पर एक मुमकिनाना जेलर समझने लगते हैं। और रूड़ी नथ से पहले ही इनके मुंह से निकल जाता है नवाएं सोनिया। लेकिन इस बार हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं, इस बार सियासी सुल्तान राही को सियासी नूरी नथ कुछ बेहतर मिला है और देखने को भी यही लगता है कि नूरी नथ इस बार भी बाजी ले जाएगा। लेकिन पहले की तरह देखें सुल्तान राही की एंट्री कैसी होती है। उम्मीद करते हैं कि सियासी सुल्तान राही की जल्द ही पाकिस्तान में एंट्री होगी और फिर देखते हैं होता है क्या। लेकिन इस बार भी अगर सियासी सुल्तान राही बाजी ले गया तो फिर तो ये कहना बनता है मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मार सकता।